हेलो गाइस, वेलकम टू सैम गेमिंग कस्टम H4 के। टुडे वी हैव 62 प्लेयर्स एंड हमारी अप्रोक्सी 19 टीम्स आज आई हैं। फर्स्ट मैच है ये हमारा न्यू अपडेट लिविक मोड का, जो हमारा वीकेंडी का मैप है। यहाँ 19 टीम्स के साथ 62 प्लेयर्स प्लेन ट्रेटी जाती हुई हमारी पेशकोवा की और सेवनरी की ओर। टीम नंबर वन में डुओ खेल रहा है। टीम सोस के एक प्लेयर ने आज गेम मिस किया है, एग्री ने। देन टीम वैनम, टीम बीबी मेजर, ओपी एएसआर, नेहतल आर्मी एंड टीडब्ल्यू, रेड क्रॉस, क्लो सोल, टूलिट की टीम एंड टीम नाग, टीम रेज के टू टीम्स, एरर, मैग्नम, माफिया एंड फोनिक्स। टीम ड्रॉप ले चुकी हैं। टेनोवा में ड्रॉप ली है टीम सोल पांडा एंड विनोद गरिया डोमेन स्क्वाड। एंड टीम नंबर वन के दो प्लेयर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, टर्मिनेटर एंड एक और प्लेयर। यहाँ पर दो ही प्लेयर्स इन ओवर, टू टू प्लेयर्स टू टू की स्पीड में आए हुए हैं दोनों ही प्लेयर्स। यहाँ गन फाइट भी हो सकती है उधर कोस डोमा के आगे वाले कंपाउंड। टीम टू लीड लेते हुए टीम रेज एंड टीम टी डब्ल्यू कोल माइन की ओर कैरी कर रही हैं दोनों ही टीम्स फिलहाल। एंड सीमेंट फैक्ट्री जा चुकी है टीम रेड क्रॉस। सीमेंट फैक्ट्री में टीम रेड क्रॉस, टीम क्लो हॉट स्प्रिंग्स लूट करेगी। वोल्नोवा हमेशा की तरह टीम वी भी जाएगी। टीम माफिया मिलना लूटेगी एंड आबे लूटेगी टीम फोनेक्स। टीम नाग एंड टीम मेजर इधर तोवार में आई हैं दोनों ही टीम्स। देन टीम मैग्नम एंड विला में ये जो फाइट हमारी पिछली बार भी देखने को मिली थी, टीम वैनम वर्सेस टीम मैग्नम। अगेन यहाँ पे वैनम एंड मैग्नम दोनों ही टीम्स आई हुई हैं। टीम सोस की टीम इन्हीं के पास वाले माउंट रेकनाज के कंपाउंड्स लूट करेगी। एंड सेकेंड टीम ऑफ टीम रेज माउंट जेकने के मेन कंपाउंड और गोरका की ओर कैरी कर जाएगी सोर्स। अब जोन हमारा पूरा ही लेफ्ट शिफ्ट हो चुका है दोब्रो मेस्टो गोरका क्रीचर्स एंड विहार की ओर। मुफ्तारा भी जोन में है, कोई भी टीम एक भी टीम ऐसी नहीं है जो हमारी जोन में। और टीम वैनम के प्लेयर्स लूट करते हुए या उनकी फाइट टीम मैग्नम से इधर होने को है। एक गन फाइट विला में इधर मेन कंपाउंड लूट करे हैं विला का एक मेन एरिया टीम मैग्नम ने, जिसके चलते उनके सारे ही प्लेयर्स के पास UG G36 काफ़ी सही गन्स हैं। क्लोज भी करना चाहते हैं इधर वैनम फिजान के पास डबल शॉट गन हमें देखने को मिलेगी। सहजी के पास एक शॉट गन एंड एक UG, मोहतासिम भी शॉट गन लिए खड़े हुए हैं। वैनम साथ इधर स्कॉर्पियन से ही आ गए जी हाँ, लूट कर रहे हैं फिलहाल। ये थोड़ा यहाँ पर डिसएडवांटेज बैठेगा टीम वैनम के लिए। मोहतासिम के ऊपर स्प्रे पड़ता हुआ ब्लैक रोज की G36 का, S686 की 2 MO वो कनेक्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते नोक एंड फिनिश भी देखने को मिलेंगे। पीछे से सैजी ने एक UG से जरूर नोक करने की कोशिश की थी। स्पोर्ट्स भी काचू ऊपर आ चुकी हैं पूरी टीम मैग्नम यहाँ से अगेन। या क्या वैनम पिछली बार भी विदाउट गन फिनिश हुई थी। एक ग्रेनेड यहाँ पे, आई थिंक ग्रेनेड नहीं है ये, बिल्कुल वैनम के। सैजी इधर UG से फाइट लेते हुए शेयर को बहुत ज़्यादा लो कर दिया है सैजी ने। इधर एक प्लेयर जरूर नॉकआउट निकाल सकते हैं, फैजान पूरा ओपन में गए थे जिसके चलते उनको नोक देखने को मिला। दैन इधर सैज फैजान फ्री शो भी हो चुके हैं या पिकाचू आता हुआ इधर मोली उन्होंने नीचे डाली है। सैजी अभी भी बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है सैजी। दैन उनकी गन रिलोड पे आई, रिलोड कर वो फिर से उधर जाने वाले हैं। पिकाचू ऊपर से इधर TP ले रहे हैं। दैन सैजी ने स्पोर्ट किया, काफ़ी लो भी कर दिया उन्हें अगेन। टीम मैग्नम के प्लस ब्लैक रोज भी आ चुके हैं। सैजी को जल्दी कंपाउंड में जाना होगा, चले तो गए इधर क्या है, देखते हैं कब तक सर्वाइव करते हैं। मैंने सैजी के पास हीलिंग के लिए 5 बैंडेजेस ओनली, 7 के पास भी UG है, 1 फर्स्ट एड 10 बैंडेजेस के साथ डोमेन स्क्वाड जो कि दोनों ही स्प्लिट में हैं प्लेयर्स। सैजी काफ़ी फॉल बैक कर रहे हैं, पीछे जाके हील करने की ट्राई करेंगे सैजी या इस फाइट से यहाँ पर एग्जिट ले रहे हैं सैजी। लेट्स सी उनका क्या डिसीजन रहता है। इधर साथ भी फिलहाल पीछे ही जा रहे हैं वो भी, TPP ले लेकर पीछे ही जंप अप करेंगे वो भी सैजी के साथ। यहाँ अभी तक और कोई टीम हमारी फाइट नहीं ली है, सारी टीम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर है। बस टीम एक माफिया के करीब टीम OP टीम यहाँ पर लूट कर रही है और एक टीम नाग एंड टीम नंबर वन के प्लेयर्स लूट कर रहे हैं साथ में। बाकी ऑल टीम्स हमारी अलग अलग है। टीम CHB की फाइट टीम रेज की हो सकती है। टीम टू लीड की टीम पहली ऐसी टीम जो कोजरोम जवाब पोर्ट की साइड से इधर गुजर कर जा चुकी है जोन के अंदर, क्रिचस लूट करेगी वो। टीम सोस की टीम गोरका लूट करेगी, वो भी वहाँ पर जोन में पहुँच चुकी है। देन अभी भी टीम मैग्नम के प्लेयर्स यहाँ पे बिल्कुल स्पोर्ट करना चाहेंगे वैनम के प्लेयर्स को। साथ एंड सैजी डोमेन स्क्वाड दोनों ही के पास UG एंड शॉटगन फॉल बैक कर रहे हैं फिलहाल। टीम इधर टीम नंबर वन के प्लेयर्स ने सोल पांडा को फिनिश ऑफ कर दिया है, नोक एंड फिनिश ऑफ दे दिया गया। विनोद गरिया अकेला बचता हुआ एक प्लेयर को डाउन करता हुआ, टर्मिनेटर को फिनिश ऑफ भी करता हुआ, एक ही प्लेयर बचा है इधर से।
जिसने फर्स्ट एड ओपन कर ली है, जिसके चलते उसके पास अब कोई फर्स्ट एड नहीं है। यूजी है उसके पास भी ना, उनके पास एक के एम, वन वी वन फाइट दोनों ही प्लेयर्स के बीच, एक एक प्लेयर, दोनों ही प्लेयर का फिनिश ऑफ हो चुका है। यहाँ वन वी वन फाइट में अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं टेन ओवा में। ये फाइट जल्दी से यहाँ से पूरी निकालने के बाद जो भी प्लेयर यहाँ से बचेगा वो जोन के लिए फॉल बैक डालेगा। रेड जोन बनाया पूरा टू लीड के टीम के ऊपर, इतना ज़्यादा बीटी तो नहीं देगा वो, क्योंकि वो यहाँ से लूट कर रहे हैं तो शायद उन्हें इजिली कंपाउंड्स कवर मिल जाएंगे। डन, टीम एमटी की फाइट होती है। टीम माफिया की टीम से म्यूटेंट अनुज को डाउन किया है टीम ओपी के प्लेन ने। लेट्स कौन कर एंड डेड शॉट डूम एंड स्क्वाड के साथ अभी फिलहाल यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं। ग्रेनेड जाता हुआ तो चार ओपी का ओपी ग्रेनेड, जो कि एक प्लेयर को नोक वाले को फिनिश करता है और देन एक प्लेयर को डाउन भी करता हुआ। अकेला बचा हुआ है इधर से डेड शॉट, वन वी फोर कंडीशन, विशाल ओपी की मोली, कौन कौन का किल भी दिलाता हुआ। देन ये वाली मोली बहुत ज़्यादा काम करी है, बहुत ज़्यादा लो। देन ये मोली सही किल नहीं देंगे, तुषार ओपी उनका किल लेंगे अपनी बैरल से एंड थ्री किल्स होते हुए टीम ओपी के। एक अर्ली फाइट में थ्री किल्स, बहुत ही अच्छे गेम प्ले का टीम ना के प्लेयर्स, टीम मेजर की टीम से ये फाइट हमारी तो वार के अंदर इंगेज हुई है। टीम वैनम के साथ काफ़ी बड़ा फॉल बैक कर चुके हैं। सैजी भी दूसरी साइड बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। टीम टी डब्ल्यू का प्लेयर, एक प्लेयर डाउन हुआ था जोकर ओपी, वो फिलहाल ही हो चुका है। थ्री टीम्स हैं यहाँ पर, यहाँ तीन टीम्स, टीम सी एच बी, टीम टी डब्ल्यू, देन पीछे की और टीम रेज भी मौजूद है कोल माइन के पास वाले कंपाउंड्स में ये फाइट हो रही है। टीम रेज अभी इस फाइट में इंगेज नहीं हुई है। जी हाँ, पीछे से थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल आई है। हिटमैन वहाँ पे अपना G36 विद 4X जो चला रहे हैं उसे एक स्पोर्ट करने की कोशिश करते हुए इधर CHB के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है। टीम TW के प्लेयर्स भी दूसरी साइड से क्लोज इन कर चुके हैं। सैंडविच सिचुएशन में टीम CHB जरूर फंसी, पूरा ओपन में TW या सीन OP आते हुए देन उन्हें उस गलती की सजा भी मिलती हुई। बिल्कुल नॉक जो हुए थे उसको फिनिश ऑफ देगा CHB का अपूर्व OP नमन को मिलता हुआ। ये के लिए UMP 45 एक OP यहाँ पे काम करती हुई वीकेंडी के अंदर UMP 45 का यूजिंग आई डोंट नो वाई इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। कम लूट मिलती है शायद यहाँ पे। फेनेटिक का भी गेम प्ले हमने पी हमें इसमें देखा था, विकेंडी का ही मैप था जो उनके दो प्लेयर्स ने तीन प्लेयर्स UMP 45 चला रहे थे लास्ट जोन के अंदर भी। टीम TW थ्री मैन्युस्क्रिप्ट के साथ मौजूद, TW निंजा की फाइट होती है वेजिटो से, दोनों का स्प्रे पड़ता हुआ। देन वेजिटो अपनी बैरल को या निंजा ओपी फॉल बैक करना चाहते थे, देन उनको नोक एट नोक एंड फिनिश ऑफ दे दिया गया है। जोकर ओपी एंड प्रिंस ओपी डुओ मैन्युस्क्रिप्ट बचा है अभी फिलहाल टीम TW का। टीम CHB का इधर से रोटेशन डलता हुआ, CHB अपूर्व ओपी को शायद जोकर ओपी सपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ रोटेशन के बीच यहाँ पे एक उन्होंने भी रोटेशन डाला था पीछे से, टीम मेजर के प्लेयर्स को नोक किया था एक प्लेयर, लेकिन सवाल है उधर से एक प्लेयर को नोक करते हुए अपोनेंट में एंड टीम विनोद गरिया जो उधर विनोद गरिया अकेले बचे हुए थे वो फिनिश ऑफ करते हुए। नेट को किया से भी अपूर्व ओपी ने, प्रिंस ओपी बहुत ज़्यादा लो हैं, हीलिंग नहीं करते तो ये नॉकआउट हो सकते थे, बट दूसरी साइड जाते हुए प्रिंस ओपी देन अभी तक हील, जी हाँ बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हुए, उनके पास एक ही बैंडेजेस रहे जो कर ओपी के पास चार फर्स्ट एड जरूर हैं बट उनके प्लेयर थोड़ा दूर है। एरजीन एक्स दी इधर रेड जोन से फिनिश ऑफ होता हुआ, सोलो प्लेयर था वो आज एरर के लिए, देन वो फिनिश ऑफ होता हुआ। टीम TW के प्लेयर डू मैंने उसके एड के साथ अब बचे हुए हैं, फॉल बैक कर चुके हैं, ये फाइट उन्होंने यहाँ से छोड़ी है। टीम वैनम के प्लेयर्स आई डोंट नो वाई दो प्लेयर्स हैं और दोनों इतनी इतनी दूर स्प्लिट में खेल रहे हैं। वैनम के सैजी बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। बैरल का जैसे हम देखें आयरन साइड अब थोड़ी बेहतर हो चुकी है पहले से, नए अपडेट के बाद बैरल के आयरन सेट पे काफ़ी काम किया गया है। टीम रेज के प्लेयर्स सेकंड टीम ऑफ टीम रेज हल्क गोड हल्क जा रहे थे यहाँ पर ओपन में। वैनम के सैजी जो सोलो वहाँ पे हैं, एक प्लेयर डाउन कर दिया है उन्होंने, फिनिश ओ भी करना चाहेंगे बिल्कुल। पर्थ ने वो किल उठा लिया है उनका स्टील करते हुए, सैजी का वो किल सोच के पर टीम सोच है पर, लेकिन सैजी यहाँ पे ये सैजी का गेम प्ले 1v3 कंडीशन में है, पीछे एक बंदा और कवर देने बैठा है। सैजी होंगे डाउन, रेज के PKP करेगा डाउन एंड PKP ही फिनिश ऑफ करेगा बिल्कुल, किल स्टील करना नहीं देना चाहते टीम सोस को। वो पर्थ ने जो एक किल स्टील किया है, टीम रेज के ऊपर पूरा यहाँ से एंगल बनाए हुए हैं सोस पर्थ, सोस पर्थ यहाँ पे थोड़ा क्लोजिंग भी करना जरूर चाहेंगे। अजीत का M4 का स्प्रे रेज के गोड को पड़ेगा यहाँ बिल्कुल, वो जो ओपन में जा रहे थे बट इतना ज़्यादा डैमेज नहीं, और बोर्ड गेम प्ले को जरूर डैमेज दिया है इधर पर्थ ने। टीम क्लोज है, ये फाइट इंगेज होती हुई, अब हमारी टीम ओपी की टीम क्लोक का हंक को डाउन कर दिया टीम ओपी ने। टीम ओपी ने पहली फाइट बहुत ही अच्छी फाइट निकाली थी, देन क्लोजिंग करते हुए एक प्लेयर डाउन करने के बाद टीम ओपी फ्रैक्सा हिल करते हुए मोलो टोल स्टोम यू भी हैं उस कंपाउंड में ऊपर। नीचे की ओर जो टीम क्लो थी अपने प्लेयर को रिवाइव देगी, इधर
पीछे द इवान बैठे हुए हैं, टीम ओपी का इधर जाता हुआ, हंक अगेन जो रिवाइवर हो चुके थे वो डाउन होते हुए, बाबा पीछे से जा रहे हैं, बाबा को भी लो करा, देन बाबा भी डाउन, हंक भी डाउन, इवान एंड एक्सपर्ट बचे हुए हैं जो टीम ओपी के एक प्लेयर डाउन कर चुके थे, लेकिन वो एक प्लेयर डाउन, एक ही प्लेयर डाउन रहेगा जन पूरा ओपी गेम प्ले। इधर विशाल ओपी फ्रैक साहिल का रहा है, एक किल विशाल ने, तीन किल साहिल के हो चुके हैं, तो चार ओपी के दो, यूवी का एक, टीम ओपी 7 किल्स निकाल चुकी है, ओपी टीम का ओपी गेम प्ले वैनम के साथ जो दोनों ही प्लेयर्स आई डोंट नो वाई टीम वैनम के प्लेयर स्प्लिट में खेले थे, साथ के पास है एक यहाँ पर फ्लेयर गन, टीम सोस उनके सामने, टीम डेविल्स टीम रेज के ऊपर पूरा यहाँ से बनाए हुए हैं, अपना एंगल नहीं छोड़ना चाहती वो फिलहाल, जो उनकी एज पे बैठी हुई है तो बिल्कुल ट्राई नहीं करने देगी उन्हें जोन में आने का इतना इजीली, अगर वो व्हीकल से रोटेशन डालें या दूर से रोटेशन डालें तो बात अलग है। टीम बी बी वी बोलने वाले उठ करके जोन में रोटेशन डाल चुकी है, टीम मेजर भी निकल चुकी है यहाँ से जोन के लिए, टीम मेजर ने एक फाइटिंग एज कर शायद 2 किल जरूर लिए हैं अपने लिए, बिल्कुल 2 किल्स लिए हैं, दोनों ही किल्स वाले ने लिए हैं, ओपी गेम प्ले इस प्लेयर का रहा है फिलहाल। विनोद गरिया जो सोलो हैं वो भी जोन में रोटेशन डाल चुके हैं, टीम सी एच बी के प्लेयर जोन में डाल रहे हैं रोटेशन, टीम टीम डालू डुगो मैन स्क्वाड के साथ जो पीछे अभी भी होल्ड करे हुए हैं, टीम वैनम के साथ भी सोलो हैं जो क्लोजिंग करते हुए फ्लेयर गन से यहाँ पे मारने की कोशिश वैनम साथ की, जो कि सोस के ऊपर पड़ी है फ्लेयर गन, जो डैमेज तो बिल्कुल नहीं दिया है लेकिन टीम सोस को वहाँ पे पूरा फिनिश अप कर सकती थी ये फ्लेयर गन, तीनों ही प्लेयर्स को लेकर जा सकती थी शायद का ऐसा मानना आई थिंक, यहाँ बिल्कुल उन्होंने एक फ्लेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए साथ, एंड टीम सोच जो कि बिल्कुल उस फ्लेयर से बची है तो उनका ध्यान भी पीछे की ओर रहना चाहिए जो कि है नहीं अभी, पूरा ध्यान उन्होंने जो जोन में टीम है टीम रेज की सेकेंड टीम उस पर ध्यान बनाए हुए, टीम फोनिक्स के प्लेयर से एक फाइटिंग एज होते हुए, टीम मैगनम के प्लेयर की जहर ओपी को डाउन कर दिया गया है, देन स्काई वॉकर एंड होला, देन देखते हैं किस तरीके से डील करते हैं ये सिचुएशन क्योंकि उनके राइट में भी टीम्स लेफ्ट में भी टीम्स हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। टीम बेबी का स्प्रे भी पीछे से पड़ रहा है, जेरो पे ऑलरेडी डाउन है, होला बहुत ज़्यादा लो हो चुके हैं, टीम मैगनम यहाँ से किंग आ चुके हैं, जो होला बहुत ज़्यादा डाउन है वो वहाँ पर नोक भी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लो थे। स्काई वॉकर अब अकेला बचता हुआ, वो भी फर्स्ट एड पोपिन की है, लास्ट फर्स्ट एड थी उसके पास ये UMP 45 लेकर पीछे जाएगा, लेकिन टीम फोनिक्स के प्लेयर्स बिल्कुल यहाँ से बच नहीं पाए, टीम मैगनम के प्लेयर्स से, टीम मैगनम के ब्लैक रोज 3 किल्स ओपी किल्स निकाले अभी तक, इस टीम ने भी 5 किल्स निकाल लिए हैं, 3 एंड 2 दो टीम्स को फिनिश अप कर चुके हैं। डोरू जो सोलो प्लेयर आए थे टीम वैनम के साथ उनके ऊपर, डोरू का एक स्प्रे उनके ऊपर जा चुका है, देन उनको नॉकआउट करता हुआ टीम रेज के प्लेयर्स काफ़ी दूर से यहाँ से टीम सोस के चुंगल से निकल कर ऑडिशन डाल के जा चुके हैं जोन के अंदर, लेकिन टीम सोस के प्लेयर्स अभी भी यहाँ पे एज बाई एज खेल रहे हैं। विनोद गरिया जो उधर से आ रहे हैं उनकी और ज़रूर ध्यान रखेंगे, वो विदाउट व्हीकल हैं, या टीम सामने मेज़र भी है, टीम मेज़र भी विदाउट व्हीकल ही रोटेशन डाली है, मेजर की टीम आई है, टीम मैगनम पे ध्यान बनाने वाले अपनी M4 लेकर रेडर पूरा टीपी भी ले रहे हैं, जैसे ही वो एक ओपन में देखेंगे वहाँ पे एक नॉकआउट जरूर निकालेंगे, अभी ओपी टीएमजी अभी ओपी के लिए उनकी टीम में, देन सोले एंड अमन 2 किल्स निकाले हैं सोले ने, 12 टीम 39 प्लेयर्स बचते हैं हमारे जोन में, अभी हमारा जोन नंबर 3 बनेगा, शेर सामने हैं स्पॉटेड, किंग भी स्पॉटेड हैं, किंग को इजीली नॉकआउट दे सकते हैं इधर सोले, लेकिन सोले ने यहाँ पर करी देरी, देन वो नॉकआउट होंगे, लेकिन अमान का यहाँ पर ओपी कवर अप मिलता हुआ, ट्रैकलर ने ब्रैक रोज को नोक एंड फिनिश अप दिया, देन अमान ने किंग को नोक दिया, अपने प्लेयर्स वाले को रिवाइव अप देंगे वो पहले, अभी ओपी अपनी टीम के साथ नहीं थे अभी तक जो अब अपनी टीम ज्वाइन करेंगे, बीबी ट्रैकलर किंग का किल जो नोक था वो स्टील करते हुए, मेजर का किल स्टील करते हुए, टीम बीबी का पुशिन जाता हुआ, बाबा ने शेर को फिनिश ऑफ कर दिया, स्पोर्ट्स पिकाचू अकेला बचा जो मोलोटोल का डैमेज लिए रहा है, जी हाँ बिल्कुल ये मोलोटोल का डैमेज, देन मेजर अमान का ये किल बिल्कुल यहाँ पर अब उनके खाते में आता हुआ, ये पहला किल टीम के होते हुए 3 किल्स, टीम बीबी से ये फाइट बनेगी टीम मेजर के प्लेयर्स की, टीम बीबी की यहाँ पर टीम मैगनम के 3 किल्स निकाल चुकी है, 1 किल तो ड्रैकुला ने इधर स्टैंड किया था, लेकिन यहाँ पर टीम बीबी का भी ओपी गेम प्ले बोलूँगा मैं, 4 मैन स्क्वाड के साथ एक अच्छा फिनिश अप दिया उन्होंने टीम मैगनम के प्लेयर्स को, टीम मेजर के प्लेयर्स भी 3 किल्स ले चुके हैं फिलहाल, टीम सोस भी इनके काफ़ी करीब है, मेजर के अमान को डाउन कर दिया गया है बीबी के ड्रैकला अलमान द्वारा, अलमान ने टीएमजी अभी ओपी को भी डाउन कर दिया, अलमान का ये रोटेशन बहुत ज़्यादा ओपी रहा,
किस तरीके से डील करते हैं सवाले इस सिचुएशन को, अकेले बचे हुए हैं, रिवाइव अप देने चाहेंगे लेकिन पीछे से आते हुए विनोद गरिया सोलो हैं वो, वहाँ बीटी देते हुए दो प्लेयर नॉकआउट पड़े हुए थे, उसके चलते अमान को मिलता हुआ उनका सॉरी अमान का किल मिलता हुआ टीम बी अलमान को। एंड्स वाले अब ट्राई करेंगे इधर अभी ओपी को रिवाइव देने का, पहले वो उन्होंने फर्स्ट एड पोपिंग की है, हील अप करते हुए अपने आप को। इधर अभी ओपी ऊपर की ओर जा चुके हैं, सवाले ही भी आई थिंक जल्दी ही ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन टीम बीबी का इधर पुश आ चुका है जो कि एक ग्रेनेड को किया गया है, सवाले के ऊपर ये ग्रेनेड पड़ सकता है बिल्कुल, ये ओपी ग्रेनेड जाता हुआ ट्रैकला का एंड सवाले को फिनिश ऑफ भी करता हुआ, उनका किल पूरा होता हुआ। टीम मेजर के प्लेयर इधर फिनिश ऑफ हो चुके हैं, विनोद गरिया जो सोलो बचे हुए हैं उन्होंने भी एक ग्रेनेड को किया है, ये ग्रेनेड या टीम बीबी के प्लेयर्स को डाउन करेगा। लेट्स सी क्रशर भी उधर पूरा ओपन में है, क्रशर जी हाँ टीम बीबी के प्लेयर्स के ऊपर, ये टीम बीबी के प्लेयर्स ने इधर स्पोर्ट कर रखा था विनोद गरिया को इधर, लेकिन पीछे से पड़ती हुई ने जी 36 की, और जिसके चलते वो हुए हैं बहुत ज़्यादा लो और क्रशर उनके सामने, देन फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे इधर इजली विनोद गरिया, वो मोलोडोल ट्रैक बाकी मोलोडोल ही काम कर गई, ट्रैक लोगों को मिलता हूँ उनका फोर्थ किल, 7 किल्स होते हुए उनके, लेकिन ये यहाँ पे ट्रैकला की मोली के चलते यहाँ पे जो पड़ी हुई थी एक गैस कैन, उससे क्रेशर डाउन होते हुए अपने प्लेयर बट रिवाइव हो जाएंगे। M24 चलती हुई डोरू की टीम बीबी के ऊपर, टीम सोस इधर से थोड़ा बीटी देगी उन्हें क्योंकि आउट ऑफ द जोन है थोड़ा वो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देगी बीटी की टीम, बीबी वहाँ से क्लोज इन नहीं कर पाए, यहाँ से जोन से निकल नहीं पाए, व्हीकल्स हैं उनके पास निकल जाएंगे इजली, बाकी हमारी सारी की सारी टीम जोन में पहुँच चुकी हैं। और फ्लेयर ड्रॉप हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले हैं, दो ही फ्लेयर ड्रॉप्स अभी तक आए हैं, 19-31 प्लेयर्स बचते हैं, टीम ओपी टीम रेज की दोनों ही टीम्स बचती हैं अभी, एंड टीम रेड क्रॉस की कोई फाइट नहीं हुई है, टूलिट की कोई फाइट नहीं देखने को मिली, बाकी सारी टीम्स हमारी अभी तक फाइटिंग एज कर चुकी हैं, अपना एक दो प्लेयर खोआ है काफ़ी टीम्स ने, टीम्स उसके प्लेयर्स अभी जो उनके अंदर बैठे हुए हैं तो ज़्यादा बीटी नहीं होगा उनके लिए। AW3 जो नॉर्मल ड्रॉप आया था उसके अंदर ओम एयर सप्रेसर लेवल 3 हेलमेट वेस्ट एंड बैकपैक आया है, जो TW जोकर ओपी इधर पिक करते हुए दिखेंगे हमें, ये ओम ये नहीं जोकर ओपी ने नहीं उठाए, देन प्रिंस ओपी क्या उस ओम को पिक करेंगे जी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आई थिंक ये दोनों ही प्लेयर्स अपनी टीम के स्नाइपर नहीं थे, उन्होंने लेवल 3 का पूरा सामान किट उठाते हुए पीछे जा चुके हैं। रिप शादान ने रेज की प्लेयर को डाउन किया है, रिप शादान जो रेड क्रॉस के लिए खेल रहा है, शादान टीम रेज के प्लेयर्स भाव को इधर का 98 का फटका दिया है उन्होंने, देन फाव को रिवाइव अप भी देते हुए इधर से हिटमैन सॉरी फ्लैश रिवाइव अप देते हुए, हिटमैन पीछे TPP लिए खड़े हैं उधर से क्लोज इन नहीं करने देना चाहते वो दूसरी टीम को इतनी इजीली, एक नॉक के ऊपर टीम अपोनेंट की टीम भी इतनी इजीली क्लोज इन नहीं करेगी। रेड क्रॉस नबील अपनी 1 KM लेके थोड़ा आगे जा रहे हैं, लेवल 3 किट के साथ हैं वो, देन शादान भी उधर स्पोर्ट करना चाहते हैं, K98 अपने हाथ में लिए हुए हैं विद 4X। एयरड्रॉप हमारे 3 एयरड्रॉप्स आ चुके हैं अभी तक, एयरड्रॉप नंबर 2 में जो आया था हमारा DBS एयर सप्रेसर लेवल 3 हेलमेट वेस्ट एंड बैक पैक के साथ, जो कि किसी भी प्लेयर ने पिक नहीं की है, टीम बीबी की टीम जो टीम सोच से तो जो भी टीम है वहाँ से दूर से ही रोटेशन डाल के निकल जा रही है, व्हीकल्स होती नहीं है, टीम सोच गेट कीप करती है बट वो गेट कीप उनका थोड़ा अनसक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि टीम्स वहाँ से दूर बहुत ज़्यादा दूर से जो उनगड़े में लेकर थोड़ा बहुत रोटेशन डाल के वो निकल जाती है, देन टीम सोच अगेन वो काम करती है अपना नेक्स्ट जोन का वेट एंड उस जोन में आगे जाएगी बिल्कुल, एक और बार हमें गेट कीप देखने को मिल सकता है टीम रेज का टीम सोर्स का टीम बीबी के ऊपर, जौनपुर दोवा मेस्टो के एरिया होल्ड करे हुए है एंड उसमें ही उसी सर्कल में सारी की सारी टीम्स हैं, टीम ओपी सोस एंड बीबी नहीं थी, टीम सोस भी अब पहुंच चुकी है शायद ही, अगर यहाँ पास वाले कंपाउंड्स ले लें तो टीम बीबी का एक अच्छा हो सकता है उधर से गेट कीपर, टीम बीबी भी अब वहाँ से निकलेगी एक व्हीकल पिक करके, टीम ओपी के प्लेयर्स भी जो उनमें रोटेशन डालेंगे उनका गेट कीप हमें देखने को मिल सकता है टीम रेड क्रॉस की ओर, टीम रेड क्रॉस की ओर से उसका हमें गेट कीप देखने को मिल सकता है क्योंकि उन्हीं के पीछे से आएगी टीम
ओपी और वो काम जो मैंने जो बात मैंने बोली थी वही होती हुई टीम ओपी आती हुई इस फाइट में बीच में पूरे रेड क्रॉस की टीम के बीच में। नबील का इधर स्प्रे जाएगा, क्या एक भी प्लेयर डाउन होता है टीम ओपी का? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा लोग किए थे उधर से प्लेयर जरूर टीम ओपी के प्लेयर, लेकिन फ्रैक्साइल आगे जाके अपने टीम के लिए वो रुकते हुए कवर दिया है उन्होंने। देन इस कवर के बाद वो टीम यहाँ से निकलना ज़रूर चाहेगी क्योंकि बिल्कुल सेफ जगह पर नहीं है वो। विशाल ओपी इधर अपनी व्हीकल को पीछे ले आए हैं, बहुत ज़्यादा लो डैमेज हो चुकी है उनकी व्हीकल। 1931 प्लेयर्स अगेन हमारे अलाइव हैं, टीम ओपी फिलहाल आ चुकी है एज ऑफ द जोन है, तो यहाँ से पीछे से आने का डर नहीं होगा उन्हें टीम्स का। ए ड्रॉप नंबर 4 जो अगेन हमारा नॉर्मल ड्रॉप आता हुआ, इसके अंदर भी ओम भी लेवल 3 हेलमेट वेस्ट एंड बैकपैक के साथ, तो कि अच्छा एयर ड्रॉप है। टीम 2 लिट के प्लेयर्स उधर पिक कर सकते हैं, अगेन टीम TW के प्लेयर्स उस पर आना नहीं चाहेंगे फिलहाल। एक फाइट लेते हैं, नबील काफ़ी लोग हुए हैं इस फाइट में। टीम रेड क्रॉस भी एज पे बैठी हुई है, उनकी दूसरी साइड ही एक रिच की एज पे बैठी हुई है टीम ओपी। 4v4 फाइट होते हुए दोनों ही टीम्स की, गोलू नबील साहिल एंड उनका फोर्थ प्लेयर हमें नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, शदान जी। हाँ बिल्कुल आगे की ओर हैं चारों प्लेयर्स उधर, यूवी विशाल एंड तुषार एंड फ्रैक साहिल, चारों ही प्लेयर्स टीम ओपी के भी वायरेज हैं यहाँ पे। पीछे टीम रेज खड़ी है, दूसरी साइड टीम TW। जोन हमारा फिफ्थ जोन बनेगा, फोर्थ जोन पूरा क्लोजिंग हो चुका है, बाकी सारी टीम्स अपनी अपनी पोजीशंस होल्ड करे हुए हैं। बिल्कुल जोन अगेन शिफ्ट होता हुआ, इस बार 2 प्रोमेस्टो का हाफ एरिया जोन में रहेगा, बाकी सारा ओपन का एरिया जोन के अंदर, जहाँ पर टीम रिज एक जगह होल्ड करे हुए, जो TW के प्रिंस ओपी को डाउन करेंगे यहाँ से, जोकर ओपी भाव को डाउन करेंगे, लेकिन प्रिंस ओपी को सोनू ने डाउन किया था। टीम TW डुओ मेन स्क्वाड के साथ है, क्या एक पुशिन देखने को मिलेगा इधर से? बिल्कुल नहीं, जोकर ओपी इजिली रिवाइव होते हुए, टीम रिज के प्लेयर्स भी क्लोज नहीं कर रहे, फ्लैश इजी रिवाइव दे रहे हैं भाव को, देन रिवाइव वो भी हो चुके हैं। टीम रेज की फ्लैश का एक ग्रेनेड को खोता हुआ जो कि जोकर, ये ग्रेनेड थोड़ा गलत होता हुआ, चाइनीज नेड यहाँ पे देखने को मिला रेज की फ्लैश की ओर से, अपने ही ऊपर हुआ था वो, पीछे जंप अप कर गए हैं जिसका काम ज़्यादा भुगतना नहीं पड़ा टीम प्लेयर्स को। स्टॉर्म यूवी को का 98 का शॉट देते हैं, काक्रोता जे आर टीम ओपी के प्लेयर्स को, टीम टूलिट के प्लेयर्स यहाँ पे का 98 का फिट कर रहे हो, TW के जोकर इधर, टीम TW बाई स्मोक एंड एक पत्थर के कवर से फिलहाल सेफ है, लेकिन टीम रेड क्रॉस वहाँ पर BT दे सकती है जो कि टीम ओपी को इस फाइट में वहाँ से फॉलो बैक करके आई है। देन टीम ओपी अभी भी उसी एज पर बैठी हुई है, टीम TW की टीम्स बीच में सैंडविच हो सकती है क्योंकि सामने टीम रेस से फाइट ले रही है, लेकिन उनका ध्यान पीछे की ओर भी होना चाहिए। ओम जो कि पिक कर चुके हैं रिप सदान जो कि कानेंटेट का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल देखने को मिला था उनकी ओर से। TW प्रिंस ओपी रेस के भाव को डाउन कर चुके हैं एंड प्रिंस ओपी को सोनू डाउन कर चुके हैं, बिल्कुल हिटमैन जाते हुए इधर से फ्लैंक करके थोड़ा काफ़ी दूर से फ्लैंक कर दिया उन्होंने सोनू, इधर क्लोजिंग जरूर करना चाहेंगे। जो करो पी अकेले बचे हुए हैं, बाबा डोरू को डाउन कर चुके हैं, बीबी के प्लेयर अजीत को भी डाउन कर चुके हैं, टीम सोस के 2 प्लेयर्स डाउन होते हुए, टीम सोस भी थोड़ा मुश्किल में फंसती हुई, देन टीम सोस पूरी ओल्ड एड होती हुई टीम बीबी द्वारा। पर्थ ने एक प्लेयर जरूर डाउन किया है फिलहाल एंड जोकर ओपी ने फ्लैश को डाउन कर दिया है टीम TW के। अब सोनू, अब यहाँ पर टीम रेज के प्लेयर सोनू बैठे हुए हैं, जोकर ओपी भाव को फिनिश ऑफ भी करते हुए नो गन मिले, लेकिन यहाँ पर टीम रेज का लास्ट किल निकालते हुए, टीम बीबी के प्लेयर्स भी उधर अपनी टीम के लिए इधर लास्ट किल निकालते हुए, लास्ट किल इधर हिटमैन ने निकाला है, देन उधर टीम बीबी के प्लेयर ने निकाला है, लास्ट प्लेयर ही बचा था अलमान, वही बचा के लेके गए अपनी टीम को। देन टीम सोस का एक गुड ट्राई यहाँ पर रहा, बट यहाँ पे एक लास्ट फिनिश नहीं ले पाई टीम सोस के प्लेयर्स, पर्थ ने लास्ट में दोनों काफ़ी अच्छे किए थे यूजी से अपनी, लेकिन टीम यहाँ पे बीबी इस फाइट को निकालती हुई। देन वो यहाँ पे थर्ड पार्टी पूरा हुआ है टीम रेज की ओर से, बट थोड़ा लेट हो गए थर्ड पार्टी में, पहले से अगर किल फील्ड थोड़ा भी रेड किया होता तो टीम रेज की सेकेंड टीम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा BT दे सकती थी। देन अब एक ही साथ तीनों ही प्लेयर्स हील करते हुए, अलमान ऑलरेडी हील अप थे यहाँ पे, टीम रेज का 3 मैन स्क्वाड आ चुका है टीम बीबी के ऊपर। नोक अगर यहाँ पे कोई भी टीम एक दूसरे के ऊपर निकालती है एक भी नोक तो पूरा क्लोजिंग देखने को मिलेगा। टीम टू लीड के प्लेयर्स टीम रेड क्रॉस के प्लेयर्स के ऊपर कनेक्ट एट का शॉट लेने की कोशिश करते हैं, दूसरी साइड टीम रेज की फर्स्ट टीम हमारी मौजूद एंड तीसरी साइड टीम CHB।
बाकी टीम ओपी अब हमारा जो नंबर सिक्स बन चुका है, रेज के गोड को काफ़ी लो किया गया, टीम बीबी के प्लेस उसके ऊपर करते हुए यहाँ पे पुशिन गोड काफ़ी लो है, तो यहाँ से बी टी हो सकता है। एक पूरी टीम बीबी एक साथ जाती हुई पी के पी उनके सामने आते हुए, पी के पी का स्प्रे ये थोड़ा क्रशर को यहाँ पर पड़ा हुआ है, बाबा की भी यू जी चलती हुई, योर बोर्ड गेम प्ले भी एंड रोड के भी इधर से गेम प्ले कच्चा चलता हुआ, रेज के पी के पी डाउन करते हुए क्रशर को पी के पी देन अब पी के पी डाउन होगा, इधर से गोड बचे हुए हैं एंड योर बोर्ड गेम प्ले दोनों प्लेयर जाते हुए, ट्रैकला इधर से डाउन हो सकते हैं, ट्रैकला भी डाउन होते हुए देन अलमान को भी, अलमान अकेला बहुत ज़्यादा लो बचा हुआ है, बिल्कुल एक लास्ट प्लेयर अलमान जो कि 0 HP है, यहाँ पे एक फाइटिंग है जो हुए रेज गोड उसको ईजिली फिनिश अप कर देगा, नहीं एक प्लेयर और बचा हुआ था उनका पीछे की ओर जो बाबा है, टीम रेज गोड अकेला बचे हुए हैं, अलमान अभी भी नॉकआउट पड़ा है, उसका किल भी जरूर यहाँ पे बिल्कुल लेता हुआ टीम रेज के गोड, बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाता हुआ, इधर क्रशर आया है बैरल लेकर उसको नॉक करेगा गोड, देन एक गन स्विच करते हुए एंड बाबा को फिनिश अप करते हुए रेज गोड 1v4 OP गेम प्ले बाय टीम रेज गोड, 1v4 करता हुआ ये प्लेयर OP ब्रो, टीम बीबी को अकेले ही प्लेयर ने चारों ही प्लेयर्स फिनिश ऑफ कर दिए, देन वहाँ से बहुत ही जल्दी जोन के लिए निकल चुका है, एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर जब जोन स्टार्ट हो जाए देन उसके सामने टीम्स हो और वो प्रेशर हैंडल करते हो, टीम रेज के गोड क्या अपनी ही टीम से सामने जो हमारी बैठी हुई है उससे मरेंगे वो, लेट्स सी उनकी टीम का ध्यान उनकी ओर जाता है कि नहीं, पीछे से वो इस यहाँ पर आ रहे हैं देन उनकी टीम का ध्यान फिलहाल उनके ऊपर नहीं है, रेड गोड जो एक यहाँ पे अभी भी रोटेशन डाले हैं एक एज पे तो पहुँच चुके थे वो, 5 टीम 14 प्लेयर्स बचते हैं, टीम रेज की दोनों ही टीमें टॉप 5 में आती हुई फिलहाल, एक मैन स्क्वाड जो टीम मैन लाइनअप खेलता हुआ टीम रेज के गोड अभी भी सर्वाइव करेंगे, क्या टॉप 3 तक लेके जा पाएंगे अपनी टीम को, टीम टू लीड के प्लेयर 3 मैन स्क्वाड के साथ जो स्टार्टिंग से खेल रहे थे वो अभी भी 3 मैन स्क्वाड है, टीम CHBB अपने 4 मैन स्क्वाड के साथ है, टीम रेज ने अपना एक प्लेयर खोया है, देन हमारी 5वीं टीम तो टीम ओपी है उसने भी अपना विशाल ओपी एक फाइट में खोया है, जैक्सन ने तुषार ओपी को डाउन किया है लेकिन जैक्सन को उधर हील करना होगा उसके चलते फ्रैक्शा हील इजी रिवाइव अप दे देंगे अपने प्लेयर को, यहाँ पे पुशिन टीम टू लीड का इतनी जल्दी नहीं आएगा, जी हाँ बिल्कुल वो पुशिन ने उन्होंने बोला था, लेकिन टीम टू लीड इतना यहाँ से नहीं लेना चाहेगी, इतना बीटी या इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि टीम ओपी आउट ऑफ द जोन है, अगर उसके पास व्हीकल उनकी सेफ नहीं है तो वो इजिली टीम टू लिट ही वो काम कर देगी जो उन्हें जोन में नहीं आने देगी इतनी आसानी से, 34 मीटर दूर में जोन में जाना है, 1 मिनट उनके पास है, व्हीकल उनकी जो पूरी डैमेज कर दी गई हैं दोनों ही व्हीकल्स टीम ओपी की, उसी के चलते टीम टूलिट को ये किल्स मिल सकते हैं, और दूसरा ध्यान टीम रेज के प्लेयर्स भी इधर आ चुके हैं जिसके चलते टीम रेज के प्लेयर्स फ्लैश ने एक अच्छा कवर बनाते हुए अपनी व्हीकल्स है वो, और हिटमैन एंड सोनू भी आते हुए टीम ओपी के प्लेयर्स का करो तो JR को डैमेज करते हुए, तो शार ओपी इधर फ्लैश को डाउन कर चुके हैं अपनी M4 के स्प्रे से, व्हीकल डैमेज डिस्ट्रॉय करके क्या इधर किल पूरा करेंगे, इधर लेट्स सी ब्लड आउट हो चुके हैं, जी हाँ फ्लैश बहुत ज़्यादा ब्लड आउट हो चुके हैं, इधर से वेजिटो ने एक प्लेयर एक नॉक निकाल दिया है, टीम वो नॉक देखते हैं किसके ऊपर निकाला, टीम यहाँ पर ओपी की टीम बहुत ही ओपी गेम प्ले दिखा रही है, 2 साइड फाइट लेते हुए 3 प्लेयर 2 साइड फाइट ले रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ओपी है, फ्लैश बहुत ज़्यादा लो है जो बहुत ज़्यादा ब्लड आउट हो चुके थे, देन फिनिश ऑफ भी होते हुए सोनू उनको जवाब देने के लिए ज़रूर आए थे बट वो अपनी ही प्लेयर की पेटी लूट करते दिखेंगे हमें, बिल्कुल टीम टू लिट के प्लेयर्स को इधर टीम CHBK के प्लेयर ने जैक्सन को डाउन किया था, लो किया था इधर टीम ओपी के प्लेयर्स ने, लेकिन टीम ओपी के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन हाई मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उनके पास जोन नहीं है, जैसे कि मैंने बोला है स्टोम यूबी का 98 का शॉट जो कि काकरो था JR का पड़ा है एंड जोन आना स्टार्ट, तो यहाँ पर रिवाइव अप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल, फ्रैक्साइल अभी भी जोन से काफ़ी दूर बाई स्मोक्स जाना चाहेंगे आगे, तो चार ओपी भी उनके साथ आ चुके हैं, फ्रैंक साहिल जो इधर नोक होते हुए तुषार ओपी उनका रिवाइव अप देने का ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक ये रिवाइव अप तो हो जाएगा बट यहाँ से पूरा ओपन के एरिया में टीम टू लीड के प्लेयर्स का स्प्रे पड़ेगा ज़रूर उधर फ्रैंक साहिल एंड तुषार ओपी के ऊपर, एक स्मोक यहाँ पे करने की कोशिश तुषार ओपी की रहने वाली है, टू लीड की टीम वहाँ बिजी हुई है टीम CHBK से फाइट लेने में, स्टोम यू भी प्ले जोन से अपना किल उधर पूरा करते देते हुए यहाँ बिल्कुल जोन में ज़रूर जल्दी यहाँ रोटेशन डालना चाहेगी, 4 टीम्स बचती हुई हमारी टीम टू लीड टीम CHBK टीम रेज
टीम रेस के जो जेड गोट थे वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। काक्रोता जेड थोकमैन को डाउन करता हुआ, टूलेट का प्लेयर जैक्सन थोकमैन को फिनिश ऑफ भी करता हुआ, टीम रेस के प्लेयर टीम ओपी से फाइट लेते हुए यहाँ एक रिच के सहारे इधर फ्रैक्सा ही डाउन हो चुके हैं, रेजिस्टमैन करेंगे उनको डाउन। तुषार ओपी पूरा ओपन में गए हैं, इधर से फ्लैंग करके एक इधर खड़े हुए हैं एक बाई ट्री के कवर से, एक मोलोटोल इधर किया गया है तुषार ओपी की ओर से, जो सही मोलोटोल यहाँ पे जा सकता है टीम रेज के प्लेयर्स को उधर लो कर सकता था। ग्रेनेड भी जाता हुआ इधर टीम रेज के प्लेयर्स के ऊपर ग्रेनेड जाता हुआ, हिटमैन पूरा ओपन में यहाँ पे नोक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी, बिल्कुल हिटमैन नोक देखने को मिल सकते थे, बट बहुत ही ओपी कवर फायर हिटमैन का यहाँ इंस्टेंटली पिन ऑन होकर उन्होंने अपनी एक एचपी जो बची हुई थी सोनू का कवर के साथ उन्होंने पूरा तुषार ओपी का किल यहाँ पर लिया है। टीम रेड टू मैन स्क्वाड के साथ, टीम टू लेट थ्री मैन स्क्वाड के साथ ओपी गेम प्लेस टीम का फाइव प्लेयर्स बचे हैं। नमन जो अकेले बचे हुए थे टीम टू लेट के प्लेयर्स ने दो तीन प्लेयर्स उनके फिनिश ऑफ किए थे, नमन को फिनिश ऑफ करेंगे रेज के सोनू। टू वी थ्री फाइट बनती हुई इनके ऊपर, हिटमैन सोनू डू मैन स्क्वाड यहाँ पर बचे हुए हैं एंड टीम टू लेट के कवर होता जे आर जैक्सन एंड यस। थोड़ा यहाँ पर टीम हिट टीम रेज के लिए ये बीटी होगा क्योंकि वो जोन के अंदर नहीं है, स्मोक्स में फायर आएंगे। काक्रोच यार पूरा ओपन में है, हिटमैन का अगेन यहाँ पे जो लेट यहाँ पे पूरा इस प्रोन होकर उन जैक्सन को नो कैन फिनिश ऑफ देते हुए वो टू वी टू फाइट सोनू एंड हिटमैन या बिल्कुल ओपन में जाके प्रोन हो चुके हैं सोनू स्मोक में, वो भी शॉट लेने की कोशिश करते हुए टीम टू लिट के प्लेयर टू वी टू फाइट में 7 किल्स टीम रेज की, 5 किल्स टीम टू लिट के भी हो चुके हैं। क्या आज टीम टू लिट की टीम इधर से चिकन डिनर निकालेगी? जैक्सन एंड यश के साथ दोनों ही प्लेयर्स मौजूद हैं, उनके पास एक रिच का कवर तो बहुत अच्छा कवर है। हिटमैन क्या यहाँ जोन में आएंगे? अगर ये उनका ये पत्थर अगर जोन में होता तो बहुत ही ओपी। ये जी हाँ बिल्कुल जोन में है, सोनू ने एक नोक निकाल दिया फर्स्ट यहाँ पर जैक्सन के ऊपर, हिटमैन इस बार नोक होंगे जैक्सन उन्हें नोक करेंगे, बट सोनू भी काफ़ी लो हैं, सोनू को हील करने की दे रही बट वहाँ पे पहले रिवाइव अप दे रहे हैं जो कि एक थोड़ा यहाँ पे बीटी हो सकता है। देन अब वो फर्स्ट एड पॉपिंग करते हुए 1v1 फाइट रोहित सोनू की यहाँ पे होती हुई फर्स्ट एड पॉपिंग, जिसके चलते वो AKM निकालते हुए देन जैक्सन को फिनिश ओ बी करते हुए टीम रेज निकालती है ओपी चिकन डिनर भाई। टीम रेज का एक प्लेयर आज जो टॉप 5 पे लेके गया है गोल्ड, 1v4 क्लच किया था उस प्लेयर ने एक, और यहाँ पर टीम रेज इसके मैन स्क्वाड यहाँ पर 9 किल्स के साथ चिकन डिनर डिस्ट्रक्शन डू हिटमैन एंड सोनू भाव एंड फ्लैश भाव थोड़ा अर्ली एग्जिट लिए थे, फ्लैश भी लास्ट में फिनिश हो गए थे। टीम टूलिट ओपी गेम प्लेयर आया, इस टीम का पूरी की पूरी टीम CHB को लास्ट टाइम पे इसने पूरा फिनिश ऑफ कर दिया, 5 किल्स लिए हैं। टीम CHB थर्ड पोजीशन पर आती हुई 3 किल्स के साथ, टीम ओपी आती हुई हमारी फोर्थ पोजीशन पे 11 किल्स के साथ, टीम 10 अगेन रेज टीम 5 पोजीशन पर, टीम BB 6 पोजीशन पर एक अच्छा गेम प्ले इसका भी रहा था आज, लेकिन यहाँ पर एक अकेले टीम रेज के गोडने ने फिनिश ऑफ किया था। टीम रेड क्रॉस 7th पोजीशन पर, टीम सोस टीम TW एंड सोन्स